नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए विचार करते हैं विष्णु जी के आठवें अवतार भगवान श्री कृष्ण के बारे में। वो भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने अर्जुन को कायरता से वीरता, विषाद से प्रसाद की ओर जाने का दिव्य संदेश श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से दिया। उन्होंने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया, विदुराड़ी का साग खाया और गोवर्धन पर्वत को उठाकर गिरिधारी कहला। समय पड़ने पर उन्होंने दुर्योधन की जंघा पर भीम से प्रहार करवाया, शिशुपाल की गालियां सुनी पर क्रोध आने पर सुदर्शन चक्र भी उठाया। अर्जुन के साथी बनकर उन्होंने पांडवों को महाभारत के संग्राम में जीत दिलवाई। 16 कलाओं से पूर्ण वह भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने मित्र धर्म के निर्वाह हेतु गरीब सुदामा के पोटली के कच्चे चावलों को खाया और बदले में उन्हें राज्य दिया। उन्हीं परम दयालु प्रभु के जन्म उत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी एवं श्री वासुदेव के पुत्र रूप में हुआ था। कंस ने अपनी मृत्यु के भय से बहन देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद किया हुआ था। कृष्ण जन्म के समय घनघोर वर्षा हो रही थी, चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। श्री कृष्ण की अवतरण होते ही वासुदेव देवकी की बेड़ियां खुल गई, कारागार के द्वार स्वयं खुल गए, पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। वासुदेव किसी तरह श्री कृष्ण को उफनती यमुना के पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के घर ले गए। वहां नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले आए। कंस ने उस कन्या को पटक कर मार डालना चाहा किंतु विफल रहा। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा एवं नंद ने किया। बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण ने अपने मामा के द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों को मार डाला और उसके सभी कुप्रयास विफल कर दिए। अंत में श्री कृष्ण ने आतताई कंस को ही मार दिया। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का नाम ही जन्माष्टमी है। गोकुल में यह त्यौहार गोकुलाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र योग से रहित हो तो केवला कहलाती है और नक्षत्र से युक्त हो तथा अर्थरात्रि हो, सोम या बुधवार अष्टमी तिथि से संयुक्त हो तो वह जयंती कहलाती है। जन्म जन्मांतरों के संचित पुण्य से ऐसा योग होता है। पांडवों के रक्षक के रूप में कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के रथ के सारथी बने श्री कृष्ण की उदारता तथा उनका दिव्य संदेश शाश्वत एवं सभी युगों के लिए उपयुक्त है। शोकग्रस्त एवं व्याकुल अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिया गया यह दिव्य संदेश ही गीता में लिखा हुआ है। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।